ईएमएफ इंड्यूस इन अ रोटेटिंग क्वाइल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, वो कहता है सपोज करो एक क्वाइल है, इसमें एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं और ये रेक्टेंगुलर है, ये ना यूनिफॉर्मली ऐसे रोटेट कर रहे हैं अपने एक्सिस पे। तो इमेजिन करो कि मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर है, मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर है और क्या हो रहा है इसमें, ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ये रहा, ठीक, ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ध्यान रखें। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करता जा रहा है, कट करता जा रहा है, तो इसमें ना करंट पैदा हो जाएगा और इंड्यूस ईएमएफ भी पैदा होगी, कितनी होगी ये क्वेश्चन है। तो ये ओमेगा के साथ रोटेट कर रहा है, तो इसमें जब नंबर ऑफ टर्न्स अगर एन है और जब ये घूम रहा होगा तो एरिया वेक्टर बी के साथ हर वक्त एंगल क्या कर रहा है, चेंज करेगा, क्योंकि जब घूम रहा है तो एरिया वेक्टर घूमेगा और बी तो कॉन्स्टेंट है, तो बी के साथ हमेशा एंगल चेंज होता जाएगा। तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, एन टाइम्स बी ए कॉस थीटा, फिर थीटा इज एंगल बिटवीन बी एंड ए। और एक चीज याद रखना, जब भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है और ये कॉन्स्टेंट ओमेगा के साथ मूव कर रहा है, तो याद करो जब वेलोसिटी कॉन्स्टेंट होती थी काइनेमेटिक्स में तो कौन सी इक्वेशन एप्लीकेबल थी, एस इज इक्वल टू वी टी, ये एप्लीकेबल थी, ये एप्लीकेबल है। और उसी तरीके से रोटेशनल मोशन में अगर ओमेगा कॉन्स्टेंट है तो एस की जगह क्या हो जाता है, थीटा, वी की जगह ओमेगा इन टू टी, तो थीटा को क्या लिखा जाता है, ओमेगा टी, क्योंकि रोटेशनल मोशन में या सर्कुलर मोशन में वी ओमेगा बन जाता है, एस थीटा हो जाता है। तो इसलिए नोट किया होगा मैंने थीटा की जगह क्या रिप्लेस कर दिया, ओमेगा टी। तो ये फ्लक्स की वैल्यू आ गई। तो ईएमएफ कितनी जनरेट होगी इस कॉइल में, माइनस डी फाई बाई डी टी, फाई को उठा के यहां पे पुट कर दो, बी ए कॉस ओमेगा टी, एन बी ए बाहर आ गया, कॉस ओमेगा टी की डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन ओमेगा टी इंटू डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी, डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा टी इज ओमेगा, ओमेगा बाहर आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ईएमएफ क्या आ गई, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो पहले आप अपने फॉर्मूला रजिस्टर में एंट्री करो, अगर कॉइल ऐसे रोटेट करेगा, रोटेट डायग्राम बना लो, तो ईएमएफ की वैल्यू एन बी ए ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी का फॉर्मूला नोट करो। तो अगर एक रेक्टेंगुलर कॉइल या कोई भी कॉइल अगर मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर घूमता है तो ईएमएफ का फॉर्मूला एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। एनसीईआरटी में ये प्रूफ बहुत बार आता है बोर्ड में, इंपॉर्टेंट मार्क करो इसे। तो इतनी ईएमएफ जनरेट होती है इस ईएमएफ में। अगर मैं कहूं कि ईएमएफ मुझे मैक्सिमम चाहिए, मैक्सिमम ईएमएफ के लिए मुझे साइन थीटा को क्या पुट करना पड़ेगा, वन, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज वन। तो मैक्सिमम ईएमएफ की वैल्यू क्या आएगी ऐसे केस में, एन बी ए ओमेगा। और मैक्सिमम ईएमएफ को लिखने का एक नया तरीका, आज के बाद हम ये यूज करेंगे, या तो ईमैक्स करेंगे या ई नॉट करेंगे। नॉट का मतलब इस चैप्टर में मैक्स है, तो ई नॉट का फॉर्मूला क्या बनेगा, एन बी ए ओमेगा, ये नोट कर लें फॉर्मूला रजिस्टर में, ठीक है यहां तक। तो आपका जो ऊपर वाला फॉर्मूला देख रहे हो, ये वाला, तो ऊपर वाला फॉर्मूला बन जाएगा ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, क्योंकि आप एन बी ए ओमेगा को शॉर्टकट में क्या पुट करेंगे, ई नॉट। तो इतनी ईएमएफ पैदा होगी जब एक क्वाइल क्या करेगा, रोटेट करेगा इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है, ये ईएमएफ की वैल्यू जनरेट होगी। तो ये सारा किया हुआ है इसमें, ये ईएमएफ है, ये ई नॉट है, फिर ई नॉट इज एन बी ए ओमेगा। अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करें, इसका ग्राफ साइन थीटा का ग्राफ, तो मैथ्स में साइन का ग्राफ ये रहा साइनोसाइडल, साइन का ग्राफ आपको आपने देखा होगा कि साइन थीटा का ग्राफ है, तो आपकी ईएमएफ ऐसे जनरेट होती है। इस टाइप की ईएमएफ जब जनरेट होती है इसको क्या बोलते हैं, साइनोसाइडल ईएमएफ, जो साइन का ग्राफ फॉलो करती है, या फिर ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, जो ऑल्टरनेटिंग अपनी वैल्यू को चेंज करती है। आपके घरों में जो वोल्टेज आ रही है अभी 220 वोल्ट जिसको आप बोलते हो, वो एक्चुअल में यही आ रही है, क्योंकि वो जो कॉयल है वो डैम पे घूम रहा है, पानी गिर रहा है और वो क्वाइल ऐसे घूम रहा है और इतनी बिजली जनरेट कर रहा है, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तभी इसको क्या बोलते हैं, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। और करंट भी ऐसे ही पैदा होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट। आपका अगला चैप्टर का नाम क्या है, एसी ऑल्टरनेटिंग करंट्स, वो डैम से ऐसे ही पैदा होते आ रहे हैं। तो हमारे घरों में जो वायर चल रही हैं
उसमें ये वोल्टेज है। अब वो ये कैसी वोल्टेज, मतलब ऐसे 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 दौड़ती है? नहीं, ऐसे नहीं दौड़ती, अंदर करंट भाग नहीं रहा ऐसे वेव की तरह, नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ मान लो 5 वोल्ट है, मान लो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ यहाँ पे 5 वोल्ट है, ये रही 5 वोल्ट, 0 से 5 वोल्ट है, फिर 0, फिर -5 वोल्ट है और फिर 0, तो अपनी वैल्यू को वोल्टेज ऐसे चेंज कर रही है, 0, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, 4, 3, 2, 1, 0, फिर -1, -2, -3, -5, फिर -4, -3, -2 और 0। आपको ये वोल्टेज से समझ में नहीं आएगा, आपको करंट से समझ में आएगा। आपके वायर में करंट भी बिल्कुल ऐसे ही दौड़ रहा है, बिल्कुल सेम। कैसे? देखो ऐसे, आपकी वायर में अगर ये करंट आ रहा है एक वायर में, तो देखो इस वायर में करंट ऑल्टरनेटिंग कैसे दौड़ता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 0, डायरेक्शन चेंज, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 0, डायरेक्शन चेंज, 0, 1, 2, 3, 4, 5। अगर आप ये ग्राफ प्लॉट करते जाएं तो ऐसा ग्राफ बनेगा। तो हमारे घरों में बिजली ऐसी आती है, तुम कहोगे ऐसे करंट चेंज होता है? बिल्कुल करंट चेंज होता है। अगर वायर में करंट 5 एम्पियर है तो बिल्कुल कॉन्स्टेंट नहीं है, वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 0 आ रहा है। आप कहोगे फिर ये मतलब अगर मैं मेजर करूँगा ऐसे, नहीं मेजर करोगे आपका 5 एम्पियर ही आएगा। अब वो कैसे? क्योंकि 1 सेकेंड में ऐसा 50 बार हो रहा है, 1 सेकेंड हो गया, 50 बार घूम गया पूरी घर में, पूरे घर में जो करंट घूमा ये 50 बार, कभी क्लॉकवाइज कभी एंटी क्लॉकवाइज घूम भी गया 50 बार, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 0, फिर डायरेक्शन चेंज, 1 सेकेंड में 50 बार घूम गया, इतनी तेज़ है। इसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। इंडिया के अंदर फ्रीक्वेंसी 50 रखी जाती है, तो 1 सेकेंड में 50 बार ये कन्वर्ट हो जाता है, घूम जाता है। तो ये हमारे घरों में जो करंट या ईएमएफ आ रही है वो ये आ रही है। क्लियर है यहाँ तक? ये एक्सप्रेशन आएगा पेपर में, अलग अलग लैंग्वेजेस में चेंज कर करके क्वेश्चन आते जाएगा। प्रूफ यही रहेगा कि रोटेटिंग अगर कोई कॉयल घूम रहे एन टर्न्स का मैग्नेटिक फील्ड में, वो पूछेगा ईएमएफ जनरेटेड का एक्सप्रेशन निकालो। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क करो।